हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए भिंडी की रेसिपी। तो देखिए मैंने कैसे भिंडी फ्राई बनाया है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कैसी बनी है। तो फ्रेंड्स, मैं बनाने वाली हूँ भिंडी की सब्ज़ी। देखिए आप, मैंने यहाँ पे एक प्याज लिया, उसको कट कर लिया। मैंने यहाँ पे भिंडी ली है। भिंडी आप कितनी भी ले सकते हैं, आधा किलो, हाफ के जी, पाव के जी, कितनी भी, मैंने इतनी ली है, आधा किलो। तो मैंने यहाँ पे एक लोहे की कढ़ाई रखी, उसको गर्म होने के लिए रखा है और उसके अंदर मैंने डाला है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल हमारे लिए अच्छा रहता है और हम राजस्थानी मस्टर्ड ऑयल ही खाते हैं। तो अभी हमारा ऑयल गर्म होएगा, उसके लिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और अभी मैं उसमें डाल देती हूँ जीरा। तो जीरा हमारा एकदम ब्राउन होने तक हम उसको फ्राई करेंगे। तो मेरा तेल गरम हो चुका है, मैंने इसमें डाल दिया है प्याज और प्याज मेरा फ्राई होगा गोल्डन ब्राउन करने तक। तब तक हम बता देती हूँ मैं आपको, हमें जिंजर और गार्लिक का पेस्ट हमें रेडी करना है। तो मैं यहाँ पे लहसुन और अदरक को एकदम से पीस लिया है, एकदम पूरा बारीक नहीं किया है, तो हल्का हल्का चॉप किया मैंने। तो मैं इसमें डाल देती हूँ और हम इसको हिला देते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला है जिससे प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो जाए। तो हमारा प्याज फ्राई हो चुका है। मैं इसमें फाइनली डाल रही हूँ भिंडी, और भिंडी, लेडी फिंगर भिंडी आप सबको पसंद आती है, बच्चे, बूढ़े, जवान, सबको। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा फिर से नमक, जिससे हमारी भिंडी अच्छे से क्रंची और अच्छे से फ्राई हो जाएगी। तो देखिए भिंडी को कितनी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे मैं लगा देती हूँ इस पर ढक्कन, और ढक्कन लगाने के बाद मैं वापस देखती हूँ इसको। देखिए हल्का सा उसमें, मतलब हल्की सी हमारी भिंडी पक चुकी है, लेकिन अभी इसको और हमें पकाना है। तो मैं वापस ढक्कन लगा देती हूँ, फिर से चेक करती हूँ 5 मिनट के बाद। देखो भिंडी हमारी एकदम रेडी हो चुकी है। तो हम इसमें डालेंगे बाकी के बचे हुए मसाले। तो मैंने यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना, अभी डाल रही हूँ मैं रेड चिली पाउडर, मतलब लाल मिर्ची का पाउडर। वो आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, क्योंकि हमने हरी मिर्ची भी नहीं डाली थी, तो आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है आधा स्पून धनिया पाउडर, और अभी डालने वाली हूँ थोड़ा सा गरम मसाला। आप ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि भिंडी में गरम मसाला इतना पसंद नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा डाला है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे 2-4 मिनट के लिए। तो देखिए हमारी भिंडी बन के एकदम रेडी हो चुकी है, कलर भी आपको दिख रहा है और एकदम क्रंची भी है और एकदम सॉफ्ट भी है। तो ये भिंडी ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मैं आपके लिए नया वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी और वीडियो में पूरा वॉच कीजिए।